हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आनंद इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें समझना है तो पहले हम मोशन को कैटेगराइज करेंगे दो टाइप्स में। ज़रूरी नहीं है कि मोशन का कैरेक्टराइजेशन कैटेगराइजेशन सिर्फ उन्हीं दो टाइप्स में होता है, बट सिंस वी हैव टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो वी नीड टू कैटेगराइज मोशन इंटू टू टाइप्स, वन पीरियोडिक मोशन एंड अनदर नॉन पीरियोडिक मोशन। ओके, सो मोशन को मैं कैटेगराइज करूंगा एक तो नॉन पीरियोडिक मोशन और दूसरा पीरियोडिक मोशन में। पीरियोडिक मोशन, नाउ पीरियोडिक मोशन भी नेक्स्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक तो आपका ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, दूसरा नॉन ऑसिलेटरी मोशन। और सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑसिलेटरी मोशन का ही एक टाइप। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के ही अंदर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा जो ऑसिलेटरी मोशन है जो कि नॉट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, एक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हमें ये समझना है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये सारे मोशन समझने पड़ेंगे। तो मैं बेसिकली आपको ये बता दूं कि पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो कि जिसमें कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम के बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, टाइम पीरियड के बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। ठीक है, मोशन को रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करता है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, इसको हमने थोड़ा इधर पुश किया तो अब ये क्या करेगा? ये मोशन करेगा। ये इधर खींच दिया हमने, फिर हमने इसको छोड़ दिया तो पहले ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, वापस अपने पोजीशन के बाद जा करके फिर ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल एज्यूम करिए कि आपने अपने हाथ में एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग से अटैच, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। उसी तरह से अगर नॉन पीरियोडिक मोशन की बात करें तो ये क्या है? जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट नहीं करेगा उसको नॉन पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे उछालेंगे तो ये फिर वापस आके गिर जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है अपने मोशन को एक टाइम पीरियड के बाद, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में भी एक एक कैटेगरी होता है ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा होता है नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो अब ये क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेशन का मतलब या आप समझ सकते हैं वाइब्रेशन टाइप से, कि अगर सपोज करिए कि ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच्ड है, ब्लॉक अटैच्ड है, तो ब्लॉक को अगर मैं थोड़ा सा इधर खींचूं और फिर छोड़ दूं तो ये फिर स्प्रिंग को ऑसिलेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ये इसको ऐसे थोड़ा आगे इधर आएगा, फिर इधर कंप्रेस करेगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक
ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मैंने एग्जांपल लिया, तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और जिसमें ऐसा ऑसिलेशन नहीं मिलेगा, ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि अपने मीन पोजीशन के अराउंड ये घूम रहा है, अपने मीन पोजीशन। तो इसीलिए ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी में एक ही डिफरेंस है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर अपने मीन पोजीशन के अराउंड एक सर्टेन टाइम पीरियड में घूमता रहता है तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और नॉन ऑसिलेटरी में अगर वो मीन पोजीशन के अराउंड नहीं घूम रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो अब आपका सवाल होगा कि मीन पोजीशन क्या होता है? तो मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ये आपका पेंडुलम है तो इसका मीन पोजीशन ये है, इस पोजीशन पे इसके नीचे जो फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है और ऊपर वाला जो फोर्स स्ट्रिंग का फोर्स है, दोनों बैलेंस कर दे रहा है। जब हम इसे इधर खींचेंगे तब जाकर के फिर ये मोशन करता है। अगर ये मेन पोजीशन है तो इस पोजीशन पे इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, ये कुछ घूम नहीं रहा है। उसी तरीके से अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, इससे ये अटैच्ड है, तो अभी ये इसका मेन पोजीशन यही है, ये इसका मेन पोजीशन है, इस पोजीशन पे फोर्स बैलेंस्ड है। लेकिन जब अगर हमने इसे यहाँ पे खींच दिया तब ये फिर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के अराउंड मोशन करेगा तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अब सपोज करिए कि ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया था पीरियोडिक मोशन का, कि एक हाथ में हमने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, इसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? तो नहीं, ये तो एक टाइप का सर्कुलेटरी मोशन है। ये तो अपने मेन पोजीशन के अराउंड तो ये घूम नहीं रहा है। मेन पोजीशन कब होता? जब ये सपोज करिए आपने ऐसे पकड़ा हुआ था तो इधर भी जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर जाता, लेकिन नहीं, ये तो एक सर्कुलर मोशन करता जा रहा है। तो ये मीन पोजीशन के अराउंड मोशन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन है। अब ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमारा टॉपिक था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ कि ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही होता है, स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका ये एक मास अटैच्ड है स्प्रिंग से। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो भी एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन किसका? इस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को अगर मैं खींचता हूँ एक्स डिस्टेंस से, मान लीजिए खींच करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो अब ये फिर इसको जब छोड़ देंगे तो फिर ये ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेट करेगा। तो पहले ये कहाँ जाएगा? पहले ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर कहीं पे आएगा, और फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, फिर वापस ऐसे करके जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? तो आपने इसको एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया था, वही है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट यही है कि इसमें जो भी एक्सेलरेशन होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हमने उसको कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है उस पे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब बात करें कि सवाल बनते किससे हैं, तो सवाल बनते हैं पेंडुलम के भी मोशन से। तो पेंडुलम का अभी ये मेन पोजिशन है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, और इसको हम जब ये यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको खींच दिया और फिर आपने इसको छोड़ दिया, तो फिर अब ये घूमेगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये अपने मोशन को रिपीट करता है, तो जब तक उसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जिस टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करने लगे, तो रिपीट करने तक के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड क्या, कौन सा टाइम पीरियड हुआ कि जिस टाइम पीरियड के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करने लगेगा, वो वाला आपका टाइम पीरियड है। और दूसरा एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में वो अपने मोशन को कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड में अपने मोशन को कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक
ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है कि कितने टाइम कि वो अपने मोशन को कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ये आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। तो हमेशा टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान रखना है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का क्या होगा सेकेंड होगा यूनिट, और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा हर्ट्स होता है, हर्ट्स या फिर पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सेकेंड का इनवर्स है। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम पूछे तो उसका स्ट्रेट अवे एक फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला है 2π√L/g। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जिससे कि पेंडुलम आपका है, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू विच योर पेंडुलम इज अटैच्ड, और 2π इज कॉन्स्टेंट। तो ये इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि लेंथ अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि लेंथ न्यूमरेटर में है, टाइम पीरियड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ेगा। जी बढ़ाने पे, जी सिंस डिनोमिनेटर में है तो जी बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड घटेगा। उसी तरीके से इस फॉर्मूले को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दें तो 1/टाइम पीरियड होता है आपका फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए ये हो जाएगा 1/2π और √G/L हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मैंने इसी फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया है। अब अगर मैं जी को बढ़ाऊं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और अगर एल को बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।